ये जो आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल से, ये कोलार क्लॉक टावर में मौजूद हजरत खुतबे गौरी की दरगाह और संगशावली दरगाह का 11वीं शरीफ के लिए सजाया गया लाइटिंग का खुशनुमा और मंज़र आपको मैं इसके अपने इस YouTube चैनल से दिखला रहा हूँ। यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोर से 11वें शरीफ हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर हज़रत महबूब सुबानी के नाम से मनाई जाती है और उनका संदल मुबारक भी किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लाइटिंग सजाई गई है और चिरागा भी हज़रत महबूब सुबानी के नाम से लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं YouTube चैनल से। और ऐसे ही इसी कोलार के 800 सने हिजरी की दरगाह जो 12 इमाम से कहा जाते हैं, वो गोरीपेट के अंदर नस्त जूनियर कॉलेज के करीब मौजूद है। दरगाह 12 इमाम मकान हज़रत सैयद अली शाह वली बाबा और हज़रत सैयदा बीबी खातून शाहली के बारगाह में भी, वहाँ पर भी 11वीं शरीफ मनाई जा रही है। वहाँ का भी पूर्णमा मंज़र मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल से दिखला रहा हूँ। वहाँ की पूरी 11वीं वहाँ के ख़ानदानी मुतवली सैयद मुस्तफ़ा उर्फ हबीब पाशा की निगरानी में की जाती है। वहाँ का संदल मुबारक भी किया जाता है। पिनगुंडा शरीफ में जो औलिया इकराम हैं, वहाँ का पिनगुंडा शरीफ का संदल होने के बाद यहाँ पर संदल किया जाता है। आज से 1-2-3 महीने के बाद यहाँ का संदल किया जाता है, उसका भी मैं आपको वीडियो में आगे 2-3 महीने के बाद दिखाऊंगा। तो आपको अपना यूट्यूब चैनल पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया। जो आग लग चुकी वो बुझाई सरकार
सैफुल्ला बिल्कुल बड़े थे सर आप, उसके बाद तसव्वुफ हफ्ते साहब फरमाए, ये फरमाई भी है समझ जाता हूँ। सोचा था और ही तदबीर बन गई, सोचा था और